दोस्तों, मैं नरेंद्र नेहरा स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कार रफ्तार पे। और आज अपन रिव्यू करने वाले वरना SX ऑप्शनल टॉप एंड वेरिएंट। ये 2017 का मॉडल है। आप देख सकते हैं ऐसी कुछ लुक मिलती है आपको सामने से अगर लाइट्स की बात करूं तो। और आपको ये वाला ऑटो फोल्ड नहीं मिलता है मिरर। लाइट्स की बात करें तो आपको हाइलोजन सेटअप मिलता है पूरा। DRLs मिल जाती हैं, फॉग लैंप मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट से कुछ ऐसी लुक आती है गाड़ी की। और बात करें तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं मिरर पे। और इसके काफ़ी छोटे साइड मिरर्स लगते हैं मेरे को। अगर रियर से लुक करें तो ऐसी लुक मिलती है रियर में। इसकी जो टेल लाइट्स का लुक है काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है मेरे को। SX है, 1.6 है। बूट्स की बात करें तो यहाँ से आप बूट खोल सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस है। और बूट स्पेस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। रियर में आपको डीप फॉगर मिलता है। और सेडान गाड़ियों में वाइपर नहीं मिलता है। यहाँ पे हाई स्टॉप लैंप मिल जाता है आपको। और ऐसे कुछ है साइड से लुक। जो अलॉय व्हील्स आफ्टर मार्केट है इसमें सिल्वर कलर के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और जो कि ठीक नहीं है, पर इन गाड़ियों लग्जरी गाड़ियों में ग्राउंड क्लियरेंस शायद नहीं रखता है। आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं मिलते, एक सनरूफ मिल जाती है छोटी सी, वो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। और ऐसे कुछ लुक है बाहर से गाड़ी की, ऑल ओवर लुक। और इसमें काफ़ी लग्जरी गाड़ी आती है। और ये ऑटोमेटिक वर्जन आप देख सकते हैं, काफ़ी स्टाइलिश लुक है गाड़ी की। और अब अगर आपको इसके की की बात करते हैं तो ऐसी कुछ की मिलती है। हम देख सकते हैं लॉक अभी इग्निशन पे है गाड़ी, लॉक नहीं होगी तो इसको बंद कर देते हैं। हेडलाइट्स बंद करनी पड़ेगी, लॉक कर। आप देख सकते हैं ऑटो फोल्ड नहीं है, अनलॉक कर सकते हैं। अगर इसको होल्ड करते हैं तो ये पूरा नहीं उठता, उठाना पड़ता है। मेन इस गाड़ी में भाई इसका इंजन 1500 cc का इंजन, 121 स्पीड और 150 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है गाड़ी। फिर नीचे आपको डिफोगर्स मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक कैमरा भी मिल जाता है। इसकी क्वालिटी दिखाऊँगा मैं अंदर से, देख सकते हैं। इसी लोग अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। देख सकते हैं ऐसे कुछ डोर्स मिलते हैं इसमें। और यहाँ पे आपको सारे पावर विंडोज़ के एक्सेस, लॉक अनलॉक मिरर लॉक, और यहीं से आप इनको फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉटल होल्डर, थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। ड्राइविंग सीट की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है आपको, पर मैनुअली ही मिलती है। और यहाँ पर मिल जाता है आपको हेडलैम्प लेवलर। और इससे आप जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। ये दो डमी बटन्स हैं, ऐसे आपको पेडल्स मिल जाते हैं। ब्रेक पेडल थोड़ा वाइड मिलता है, यहाँ पे आपको डेड पेडल मिल जाता है। काफ़ी दूर है ब्रेक से, जो कि अच्छी बात है। बात करें तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। इसका ऐसे कुछ गियर लीवर मिल जाते हैं। ये आपको शिफ्ट लॉक मिल जाता है रिलीज करने का, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, इसमें रिवर्स। इसमें आप कैमरा मिल जाते हैं, असिस्टेंस के साथ मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप न्यूट्रल ड्राइव और यहाँ पे मैनुअल भी शिफ्ट कर सकते हो गाड़ी। और ऐसे मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है आपको, दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि स्लाइडिंग है, थोड़ा सा स्लाइडिंग है, पर मैनुअल गाड़ी में आपको गियर शिफ्ट करने की नहीं, इस वजह से गियर में डाल दो एंड वो मस्त रख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है, ट्यूटर मिल जाता है, ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है। वरना SX ऑप्शनल का काफ़ी अच्छा थ्री स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया के कनेक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल और इसमें MID आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिल जाता है और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, उसके नीचे ही फ्यूल गेज और यहाँ पे टेम्परेचर गेज मिल जाता है। अगर इसमें देखें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, देख सकते हैं एवरेज, देख सकते हैं यूज़र सेटिंग्स,
डोर एक बार में कितने लॉक होनी चाहिए, लाइट्स, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवेल, अदर फीचर्स में देखते हैं। इसमें फ्यूल इकोनॉमी, टेम्परेचर यूनिट, ये सब देख सकते हो आप। और लैंग्वेज रीसेट सेटिंग आप यहीं से कर सकते हो। और इसमें आप कभी खोलते तो ऐसे पूरी गाड़ी का मिल जाता है। शायद इसमें और सनरूफ ओपन होती है, शायद सनरूफ का नहीं दिखाता है। देख सकते हैं सनरूफ ओपन है तो ये नहीं दिखा रहा है। आप वन टच पूरी कंट्रोल कर सकते हो सनरूफ पर। ये वाली आपको मैनुअल ही ओपन करनी पड़े, हालांकि ओपन करते टाइम ये चली जाती है पीछे, पर बंद आपको मैनुअली करना पड़ेगा। काफ़ी छोटी सनरूफ मिलती है आपको वरना S6 में। और यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग ORBM मिल जाता है। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, ये टॉप मॉडल है। ऐसे ही आप एयर ब्लोअर वगैरह टेम्परेचर यहीं से सेट कर सकते हो, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। इसमें आपको ये भी मिल, वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाते हैं ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड। काफ़ी अच्छे ब्लो है इनकी। और यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का आउटलेट मिल जाता है। यहाँ पे ऑक्स USB जो कि मल्टीमीडिया के लिए है। और यहाँ पे आपको एक फास्ट चार्जर मिल जाता है। यहाँ थोड़ी स्पेस शायद ये वायरलेस चार्जिंग नहीं है, नॉर्मल चार्जिंग मिल जाता है आपको। ग्लव बॉक्स की बात करें तो काफ़ी डीप स्पेस है और यहाँ पे फुल ग्लव बॉक्स मिल जाता है। काफ़ी एक और बात, अगर अब इसको बंद ही रखते हैं तो आपकी गाड़ी का AC साइकिल बढ़ जाता है। और यहाँ से आप ये सारे सिस्टम, हालांकि ये टच है फिर भी बटन्स दिए गए हैं इसमें, हुंडई HD कार्ड HD यहीं से डाल सकते हो आप। आप देख सकते हैं आप SD कार्ड यहीं से डाल सकते हो। और बात करें सीट की कंफर्ट लेवल की तो काफ़ी कंफर्ट मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील बात करें तो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। और यहाँ से आप हेडलैम्प कंट्रोल्स एडजस्ट कर सकते हो। इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं मिलते, इनको मैनुअली आपको ऑपरेट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो कि काफ़ी उठा हुआ है, ऐसे आप इसको प्रेस करते हो, पूरा प्रेस करना पड़ता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सिस्टम चेक का काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको एक सनग्लास होल्ड, और यहाँ पे आपको 2 लाइट्स मिल जाती हैं, वो भी बल्ब में LED दे देनी चाहिए थी भाई, हेडलाइट में LED नहीं थी तो यहाँ क्या ही देंगे। मिल जाता है यहाँ पे एक टिकट होल्डर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको सिर्फ एक मिरर मिलता है, लाइट्स नहीं मिलते हैं। तो बात करें भाई इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस शायद मिलता होगा, नेविगेशन मिल जाता है, करंट पोजीशन मिल जाता है सेटिंग्स में। इसमें आपको साउंड के ऊपर वो मिल जाते हैं कहाँ आपको रखना है साउंड वगैरह, बीप बंद करनी है कि नहीं करनी है। डिस्प्ले में काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं, ऑटो इल्यूमिनेशन डे नाइट आप ऑटोमेटिक ही सेट कर सकते हैं, नेविगेशन मिल जाता है आपको, एड्रेस वही सेम क्रेटा वाले फीचर्स मिल जाते हैं आपको इसमें। क्रेटा में थोड़ी बड़ी वो मिल जाती है, ये फीचर्स मिल जाते हैं आपको, वरना S6 ऑप्शनल में या मल्टीमीडिया में ऑप्शनल। अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट की ओर, देखते हैं रियर सीट में क्या सी, ये मेरे हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ मैं। तो भैया अपन आ चुके हैं रियर सीट की ओर। अगर रियर डोर की बात करें तो ऐसा कुछ आपको रियर डोर मिल जाते हैं। यहाँ पे पावर विंडो के एक्सेस, यहाँ ग्रैब हैंडल, एक बॉटल होल्डर स्पेस तो थोड़ी सी है। यहाँ पे एक स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे क्रोम की फिनिश मिल जाती है, और यहाँ पे आपको लेदर टच मिलता है, और यहाँ पे सॉफ्ट प्लास्टिक मिल जाता है ऊपर, सिर्फ यहाँ है आपको लेदर मिलता है। अगर कंफर्ट की बात करें तो भाई आप देख सकते हैं आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है। नी रूम और अंदर थाई सपोर्ट भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और हेडरूम के मामले में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको चारों हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं, और यहाँ पे आपको रियर में कर्टन भी मिल जाता है, देख सकते हैं कर्टन भी मिल जाता है। और यहाँ पे आपको साइड में कोई कर्टन्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है कोट होल्डर के साथ, यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है हाइलोजन मतलब बल्ब, यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है। अगर इसकी
आर्म रेस्ट की बात करें तो दो कप होल्डर के साथ आर्म रेस्ट मिल जाता है आपको, वे अच्छी बात है। और रियर में आपको यहाँ पे दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं, नीचे फास्ट चार्जिंग मिल जाता है यूएसबी, देख सकते हैं रियर में। और बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो इंजन भाई काफ़ी पावरफुल है इसका, देख सकते काफ़ी पावरफुल इंजन मिल जाता है, 1591 सीसी 1591 सीसी, मतलब 1591 सीसी का इंजन मिल जाता है आपको, 121 bhp और 150 Nm टॉर्क के साथ 2 kV का इंजन मिल जाता है आपको। इंसुलेशन काफ़ी अच्छी मिल जाती है, वाइब्रेशन, और ये पेट्रोल इंजन है, और वरना में आपको वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पे आप शायद कैमरा में देख नहीं पा रहे हो, काफ़ी वाइब्रेशन मिल जाता है स्टीयरिंग पे, गियर रिवर्ब पे तो फील नहीं होता स्टीयरिंग पे, और सीट में बहुत फील होता है गियर वाइब्रे मतलब इंजन वाइब्रेशन। अब देख सकते हैं आप, देखना देख सकते हैं वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा फील हो जाता है। 17 का मॉडल है, यानी 5 साल के अंदर आपको वाइब्रेशन मिल जाता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो अब चला के देखते हैं भाई, इसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, मतलब जो ये साइड मिरर का है काफ़ी छोटा मिल जाता है आपको, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो आप। यहाँ पे रिवर्स कैमरा मिल जाता है, और एक और बात, इसमें भी आप सिर्फ ब्रेक छोड़ दो गाड़ी आपकी चलेगी, आप देख सकते हैं मैं अब सिर्फ ब्रेक छोड़ रहा हूँ, ये गाड़ी बढ़ रही है मेरी, क्रीप फंक्शन बोलते हैं इसे, ताकि आप बम्पर टू बम्पर ड्राइव में इसका एंजॉय गियर डाल दो, और ब्रेक के साथ इसका एनालिसिस काफ़ी अच्छा काम करता है भाई। चलाने की बात पे ये तो 1.6 मतलब 1591 मतलब 1591 सीसी के साथ आता है, इसमें मतलब आपको इंजन के जो वो हैं आपको काफ़ी अच्छा फील हो जाते हैं। एक मिनट मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, इसमें भाई आपको सीट बेल्ट भी एडजस्टेबल मिलते हैं, आपको सीट बेल्ट भी एडजस्टेबल, तो इसमें गियर शिफ्टिंग में आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता, हालांकि थोड़ा मोटा फील होता है भाई, वो कोई बात नहीं होती है। चलाने में काफ़ी अच्छी है गाड़ी, इसको जैसे चला रहा हूँ काफ़ी अच्छी है गाड़ी। और अब बात करें इसकी तो राइड कंट्रोल की, काफ़ी अच्छा राइड कंट्रोल मिल जाता है, बट हालांकि इसमें थोड़ा बहुत वाइब्रेशन मिल जाता है, उस वजह से गाड़ी में एक मेरे को माइनस पॉइंट लगा, और बाकी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, बहुत बड़े इंजन के साथ मिलती है आपको। तो वरना भाई लग्जरी गाड़ियों में आती है, इसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी लाइट है, जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी लाइट स्टीयरिंग व्हील है इसका। जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जैसे ड्राइव में दिखा रही है मेरे को, जैसे मैनुअल में शिफ्ट करता हूँ 1 2, देख सकते हैं 3, जब तक RPM आप बढ़ा नहीं करोगे तब तक इसका मैनुअल में भी नहीं होगा। जैसे ड्राइव में कर देता हूँ, जैसे मैं पंजा दाबूंगा अभी, काफ़ी अच्छा पिकअप है भाई इसका, आप देख सकते हैं, मतलब गियर शिफ्टिंग आपको बिल्कुल ही महसूस नहीं होती भाई, चलाने में तो गाड़ी का जवाब ही नहीं, बहुत अच्छा पिकअप आपको हर चीज़ मिल जाता है ऑटोमेटिक वर्जन के साथ ही। तो दोस्तों अभी सुना देते हैं वरना SX ऑप्शनल का म्यूजिक सिस्टम, 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स के साथ आता है इसका कॉम्बिनेशन। एक और बात भाई, इसका आपको ना डैशबोर्ड काफ़ी लंबा मिल जाता है, और बोनट थोड़ा थोड़ा दिखता है, पूरा बोनट नहीं दिखता है। अगर आपको BMW 7 सीरीज़ की वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अब सुना देते हैं भाई इसका ऑडियो सिस्टम, we'll be right back.
यही था भाई आज के, वरना इसे ऑप्शनल के रिव्यू में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर ज़रूर करना भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।